अभी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर तो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्टी होगी. ओके, बिकॉज इट इज़ यूजिंग अ डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर. सो डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर में क्या होता है कि डेटा सेट को यूज़ करना पड़ता है. ओके, सो डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस इन ग्रिड व्यू. ओके, दैट्स इट. ओके, एक्चुअली ये सही में इजी वाला ही है. ओके, सिर्फ इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाता है. देख लो. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ ग्रिड व्यू. ओके, देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स. डेटाबेस को क्लिक करना, देन क्लिक ऑन दिस. इफ यू डोंट हैव दिस यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू कनेक्शन. ओके, देन डॉट इज द सर्वर नेम. यू माइट बी हैविंग डॉट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस. अगर एक्सप्रेस रहेगा तो आप डाल देना. विंडोज ऑथेंटिकेशन करना तो यहाँ पे आपको डेटाबेस के नाम आ जाएंगे इफ़ यू आर हैविंग इट. बट आई डोंट हैव एन एक्सप्रेस नाम का इंस्टेंस नेम. सो मेरे को तो मेरे यही चीज़ दिखाई देंगे. तो क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दिखाई देगी. तो यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए पूछा जाएगा. स्टोर इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट. विच टेबल यू वॉन्ट? यू वॉन्ट दिस टेबल, दैट्स इट. ओके, अब मैं ना आप लोग को एक मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ. यहाँ पे एडवांस में जाके ना जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट कर देना बस, और कुछ मत करना. क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश. लेकिन जब आप लोग जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो याद रखना कि एसक्यूएल के अंदर आपने जो टेबल बनाया है उसके अंदर प्राइमरी की होना ज़रूरी है. ठीक है? ओके, नॉट एन प्रॉब्लम. इफ़ यू राइट क्लिक ऑन इट एंड इफ़ यू क्लिक ऑन व्यू, सो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है. श्योर? दैट्स इट. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई तेरे पास पेजिंग ऑन करता हूँ, एडिटिंग ऑन करता हूँ. ठीक है? अब तुम लोग जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो ना, मतलब ये सारा चीज़ें आपको जो दिख रहा है, ओके, ये डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर ही है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है. आर यू गेटिंग इट? सो इफ यू सी दिस थिंग इन दिस वे कि क्या ये डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर है या नहीं, तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी आप एडिट करोगे, ओके, पहला ये डेटा सेट में जाएगा. इसमें जाएगा डेटा सेट में, और जब मैं अपडेट करूँगा तब ये डेटा सेट से मेरे एक्चुअल सिस्टम में चला जाएगा. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यू विल एबल टू सी द चेंजेस. दिस इज द चेंज. इफ आई चेंज इट हियर, ओके, काम हो गया. लेकिन यहाँ पे वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक ये डेटा सेट रिलोड नहीं होता. अभी रिलोड हो गया, अभी ही मिलेगा. तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या होता है कि जब तक सी लिव इट अपन प्रोग्राम करते हैं. ये तो बोल दिया तो बोल दिया, अभी हो गया यार. ये इसके अंदर ये डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर है, लेकिन इसके अंदर प्रूफ क्या है यार? मतलब ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो रहा है लेकिन देर इज़ नो कोड. ऐसा कोड समझाने के लिए मांगता है कुछ ना कुछ तो. ओके, ये लोग मांगते हैं, लेकिन इतना भी करोगे तो हो जाएगा. दिस इज डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर इटसेल्फ. ओके, सो डन. अब आप लोग क्या करो मालूम है? ग्रिड व्यू लेना. ओके, कुछ नहीं करना है, ग्रिड व्यू लेना है बस, और कुछ मत करो. ठीक है? अब इस ग्रिड व्यू के अंदर है ना, मैं डेटा को बाइंड करने वाला हूँ. ओके, लेकिन ऑन द क्लिक ऑफ बटन, ऑन द क्लिक ऑफ बटन. श्योर? तो इसके लिए सबसे पहले मुझको क्वेरी लिखना पड़ेगा, और क्वेरी फायर करने के बाद ये क्वेरी डेटा सेट के अंदर डालना पड़ेगा. तो आई नीड अ डेटा सेट. सो आई एम गोइंग टू यूज यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एंड ऑल्सो नीड असिस्ट. आई कैन से यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट. ओके, बिकॉज आई नीड दिस थिंग्स राइट नाउ. सो वॉट आई वॉन्ट, ये बड़ा क्वेश्चन है. ओके, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ. ओके, फिल डेटा सेट. ओके, यहाँ पे मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ, डीएस. ओके, अब डेटा सेट को फिल करना है ना, तो ज़रूरी है हम लोग को कनेक्शन चाहिए. कनेक्शन तो एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए. कौन?
इसके लिए आप लोग को एक और काम करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, उसको कहते हैं डेटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। ओके, देन आता है इनिशियल कैटलॉग, दैट इज नथिंग बट ASP, देन विंडोज सिक्योरिटी है तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू ट्रू। श्योर, सो यहाँ पे डबल स्लैश डाल देना। देन आई नीड SQL, आई कैन से इतना काम काफ़ी हो जाएगा, मेरे को और किसी की ज़रूरत नहीं गिरेगी, मेरे को सिर्फ SQL कमांड बिल्डर की ज़रूरत गिरेगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो SQL कमांड बिल्डर, SQL कमांड बिल्डर इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड बिल्डर एंड इज आस्किंग मी फॉर एन अडेप्टर। ओके, तो SQL डेटा अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी मुझको, सो अभी लेते हैं SQL डेटा अडेप्टर। ओके, एंड SQL डेटा अडेप्टर पूछ रहा है कि यार मेरे को टेबल का है ना सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी बता, बाकी मैं बाकी सब कुछ संभाल लेगा। बोलते ठीक है यार, ये ले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था यार अपने, मैं तो भूल ही गया, TBL स्टूडेंट। ओके, बता दिया। अब यार मैं बोलता हूँ कि ये ले तेरा SQL डेटा अडाप्टर को, ले तेरे क्वेरी बिल्डर के अंदर, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। ओके, तो ये मेरे को क्वेरी बनाकर दे सकता है, याद रखना। ओके, सो अभी ये मेरे को क्या पूछ रहा है ज़रा वापस एक बार देख लेना। ये मेरे को क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट कमांड मतलब SQL कमांड, तो यहाँ पे लिखने का न्यू SQL कमांड और यहाँ पे लिखने का मेरा जो कुछ भी कमांड रहेगा वो, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये मेरा क्वेरी है। ओके, और ये मेरा कनेक्शन जो ऊपर बनाया था ना अपने, कॉन, वो पास कर दिया। सर ये एक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वे में मैंने काम करवा दिया आपका एक झटके में, नहीं तो एक दो लाइन और इनिशियलाइजेशन के लग जाती, दैट्स इट। लेकिन अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ SQL डेटा अडाप्टर की ज़रूरत है, SQL डेटा अडाप्टर डॉट। ओके, मैं बोलता हूँ कि फिल कर बॉस, फिल कर किसे, तो डेटा सेट को, डेटा सेट बनाया ना अपन ने DS। ओके, उसके अंदर भर दे, क्या टेबल है, तो मैं बोलता हूँ कि टेम्प, क्या बोलता हूँ, टेम्प नाम का टेबल है उसको भर दे, और बाकी तेरे को कुछ पैरामीटर सेंड करने, तो बोलता है नहीं यार बस इतना काम कर दे, मेरे लिए बहुत हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने डेटा सेट भर दिया। श्योर, अभी डेटा सेट भरने के बाद ओके, ये पहला तुम्हें फिल करेगा, फिल DS। ओके, देन ये फिल हो जाने के बाद मैं इसके बोलूँगा कि जो कुछ भी डेटा सेट के अंदर लिखा है ना, जो कुछ भी डेटा सेट के अंदर भरा हुआ है वो मेरे ग्रिड के अंदर बता दे। अभी यार इसके अंदर ग्रिड है क्या, है ना ये ग्रिड। ओके, इसको मैंने कुछ बताया क्या, नहीं, तो अभी मैं बोलूँगा डेटा ग्रिड, सॉरी ग्रिड व्यू। ओके, ग्रिड व्यू क्या नाम था, ग्रिड व्यू वन का डेटा सोर्स जो है ये और कुछ नहीं है तो DS के अंदर एक टेबल है उसका नाम है टेम्प, ये उसका डेटा सोर्स है। तो एक बार क्वेरी से डेटा भर गया, मैंने डेटा सोर्स के अंदर डाल दिया, काम खत्म। श्योर, तो अभी मेरा डेटा सोर्स बन के रेडी है और वो अपने जगह पे बैठा है, खत्म। अब एक दूसरा बटन लेता हूँ जिससे मैं बाइंडिंग भी करता हूँ। ओके, इधर मैं बोलता हूँ ग्रिड व्यूअर डॉट डेटा बाइंड, क्योंकि ये डेटा बाइंड अगर नहीं करेगा ना मैं, तो मेरा डेटा कभी भी मेरे ग्रिड में नहीं दिखाई देगा। सो लेट्स रन इट। हे, व्हाट हैपेंड मैन, सेव नहीं किया क्या? हाँ सेव किया, अब रिफ्रेश मार दे तो पूरा ख़त्म। इस बटन को क्लिक करने के बाद मेरे डेटा सेट फिल तो कर रहा हो, लेकिन वो बोल रहा है कि डेटा सेट इज़ हैविंग अ नल वैल्यू रेफरेंस, क्योंकि इसको मैं पास तो करना चाहता हूँ लेकिन कैसा इनिशियलाइज करूँ, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो अभी मैं क्या करता हूँ,
लोड इवेंट के ऊपर मैंने डेटा सेट जो बनाया था इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट लिख देता हूँ. ओके एंड देन लेट्स ट्राई इट. ओके सो अभी ये डेटा सेट पूरी तरह से भर जाना चाहिए. ओके देन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन व्हाट हैपेंड, ये अभी तक लोड ही कर रहा है. क्यू 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 ओके गलत कर दिया ना मैंने, मेरे पास इंस्टेंस नहीं है एसक्यूएल एक्सप्रेस का. ये लाइक कनेक्शन का एरर आने वाला है. आया नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर, कनेक्शन ही बराबर नहीं बनाया, सिर्फ डॉट आएगा. ऐसा क्या, एक्चुअली मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2005 भी है, 2008 भी है, बहुत सारे एसक्यूएल है, तो कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो डॉट लिख देने का, मेरे पास क्या है, देर इज़ नो इंस्टेंस यू कैन सी. ओके सिर्फ डॉट ही है. ओके डॉट इज नथिंग बट लोकल होस्ट और कुछ नहीं, करंट सिस्टम. अब ले भाई रिलोड मार, बाइंड मार. अरे बाइंड मारने के बाद डेटा भरना चाहिए, क्यों नहीं भर रहा. ओके फिल्ड इट प्रॉपरली, लेट्स वर्क इट इन दिस वे. Let's keep all these things inside it. No. Why so? क्या इसका डेटा पोस्ट बैक के ऊपर है, निकल जा रहा है. हाँ ड्यूरिंग पोस्ट बैक इसका डेटा निकल जा रहा था, दैट वॉज द ओनली रीजन ये बाइंड नहीं हो पा रहा था. ओके तो इससे क्या समझ में आता है कि मैं अभी जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जब डेटा सेट का काम आता है तो ये डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर होता है. अब इसके अंदर मैंने कहीं पे भी कमांड बिल्डर का काम नहीं किया है, तो वी कैन निगलेक्ट इट. कमांड बिल्डर से आपको क्या मिल सकता है मालूम है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का क्वेरी मिल सकता है. तो चाहिए तो मैं आपको ये प्रिंट करके बता देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू मैं बोलता हूँ कि कमांड बिल्डर भाई साहब आप मुझको इंसर्ट की क्वेरी बताना. ओके तो गेट इंसर्ट कमांड. ओके सो मैं ना एक मज़ेदार चीज़ करता है, अब जैसे मैं इसको लिखेगा ना, क्लिक करेगा तो तुम लोग को एक इंसर्ट का क्वेरी है ना ऑटोमेटिक बन के आना चाहिए. अरे यार एसक्यूएल कमांड रीड कर दिया, बाद में इसका कमांड टेक्स्ट चाहिए मेरे को. ओके सो उसने रिटर्न क्या किया, एसक्यूएल कमांड. अभी देखो यार ये देखो सिंपल वे में वो अपने को क्वेरी बना के देगा. ऐसा इंसर्ट का है नहीं, अपडेट का डिलीट का दोनों क्वेरी, सिर्फ उसको सिलेक्ट का क्वेरी पास कर दो, ये अपने लिए जान भी दे देगा. नहीं रे सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज बना के दे देगा. ठीक है लेट्स सी, दिस वॉज एन इंसर्ट क्वेरी. Let's work on some more queries. So that is a get insert command that we should be now update command. Update command and then should be your delete command. That's it. Your work is finished. Insert, update, delete. All the queries was created by whom? SQL command builder. ओके और डेटा सेट यूज कर रहे हो तो ये समझ जाओ कि दिस इज नथिंग बट डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर. श्योर सो यही चीज होता है कहाँ पे मालूम, जो अब किया था ना अपन ने उसके अंदर यही चीज होता है. ये लो तुम्हारा ग्रिड व्यू. ओके ये लो तुम्हारा नया डेटा सोर्स, लेकिन अभी मैं डेटा सोर्स ऑलरेडी बना चुका है तो मैं इसको ही यूज करेगा. ठीक है सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश. तो देखो इनेबल पेजिंग आ गया, एडिटिंग करने का था यार अपन ने गड़बड़ कर दी, वेयर क्लॉज सॉरी एडवांस में जाकर इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं किया. तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट कौन बनाता है, कमांड बिल्डर और कौन. ओके इफ यू वॉन्ट टू सी गो टू द सोर्स यू विल एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट का क्वेरीज भी मिल जाएगा, चेक इट आउट. ओके स्लोली स्क्रोल करता हूँ नो प्रॉब्लम. ठीक
है, डिलीट का कमांड, इंसर्ट का कमांड, वैसा ही जैसा अपने को मिला था इधर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर। अभी यहाँ पे आपको इनेबल एडिटिंग का सिलेक्शन ऑप्शन मिल जाएगा। सो इफ यू गो एंड वी विंट टू द ब्राउजर, दिस इज वन एंड द सेम। श्योर इफ यू क्लिक ऑन एडिट यू विल एबल टू सी अ टैम्पलेट जहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हो कुछ भी चीज़ें, और अपडेट कर दोगे तो अपडेट हो गया। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे अपडेट हो गया, देखो फाइव यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाइंडिंग हुआ क्या? नहीं, बाइंडिंग करना जरूरी था, जब ही बाइंड करोगे तभी होगा। सो दिस इज डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर, आर यू गेटिंग इट? दिस इज इट।